कोतवाली क्षेत्र बिनसोली के गांव भरतपुर निवासी बाला डोरी लाल मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता है। 6 माह पूर्व उसकी पुत्री को घर में अकेला पाकर गांव के ही रामसेवक पिता मदारी लाल निवासी भरतपुर तमचा लेकर उसके घर में घुस गया और लड़की के साथ दुष्कर्म किया। उससे कह दिया कि किसी को बताना मत, अगर बताया तो तुझे मार दूंगा। लेकिन लड़की ने हिम्मत जुटाकर यह बात अपने पिता को बताई। जब यह बात बस्ती में हुई तो लड़के वालों ने अपनी बदनामी के चक्कर में सभी लोगों के द्वारा शादी का प्रस्ताव रखा, जिससे सभी राजी हो गए। लेकिन 6 माह बाद फिर से लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर लड़की के पिता ने अपनी लड़की के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 6 महीने पहले हम मेहनत फैक्ट्री काम करते हैं, हमारी बीवी मैं गई थी बच्चों के साथ में जी। हमारी लड़की अकेली थी, नाजायज असला लेकर तमंचा लेकर उसने गलत काम किया था और उसने दूसरे दिन को हमें बताया, हमने उनसे कहा था तो बोले मुझे बताना कोई कानून कार्रवाई मत करना, हम तेरी लड़की के साथ में शादी कर देंगे अपने लड़के के साथ में जी। हाँ, भूपेंद्र और पिंटू है, फिर अब लड़की मेरी 5-6 महीने गर्भ से है, अब शादी को मैंने कर रहे हैं। अच्छा, जब ऐसी बार साथ? मेरे साथ 5-6 महीने पहले चाकू तमंचा के बल से भूपेंद्र और पिंटू चाकू तमंचा के बल से मेरे साथ गंदा काम किया। अच्छा, फिर मैंने मुझसे कही कि आप अगर किसी से कहा तो तेरे को तेरे पिताजी को जान से मार देंगे। अच्छा, फिर मैंने बताया अपने पिताजी को शाम के लिए, फिर मेरे पिताजी ने शादी की चर्चा चलाई तो उन्होंने की कि ऐसा काम किया है तो शादी हम कर लेंगे, अब वो मना कर रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे।